नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अनलॉक टू के बारे में। बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बिहार में लॉकडाउन समाप्त होने के बाद से कई तरह की छूट दी गई है। बिहार में अब अनलॉक टू लागू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई अगले एक सप्ताह तक, अर्थात दिनांक 16/6/2021 से 22/6/2021 तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे अपराह्न तक, दुकानें एवं प्रतिष्ठान 6 बजे अपराह्न तक खुली रहेंगी। नाइट कर्फ्यू 8 बजे से 5 बजे तक लागू रहेगा। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ 5 बजे शाम तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं में जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न से अधिप्राप्ति के संबंध में कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करते रहेंगे। न्यायिक प्रशासन से संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय भी प्रभावी होगा। सभी दुकानें, वाणिज्य एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान एक दिन बीच करके 6 से 6:00 PM अपराह्न तक खुलते रहेंगे। जिला पदाधिकारी इसको लेकर आदेश जारी करेंगे। लेकिन बैंकिंग, बीमा एवं ATM संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियां खुली रहेंगी। इसके साथ ही साथ औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं जारी रहेगी। कृषि एवं इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे। टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां जो है वो जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान भी चालू रहेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध, PDS की शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानें 6 से 5 बजे अपराह्न तक खुली रहेंगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कहीं भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेगी। निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी। दुकानों को लेकर कहा गया है कि दुकानों या प्रतिष्ठानों में हमेशा मास्क पहनना होगा। साथ ही दुकानों पर आने वाले आगंतुकों को सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही दुकान या प्रतिष्ठान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान एवं उसके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, चश्मा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करते रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के साथ मात्र 50% उपयोग के साथ उसकी अनुमति दी गई है। सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए 9 बजे से 9 बजे तक होगा। नेशनल हाईवे पर स्थित ढाबा टेक होम के आधार पर कार्य करेंगे। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डिंग की व्यवस्था की गई है। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल जो है वो बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक होगा। शादी विवाह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे। इसके साथ बारात में DJ एवं बारात जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही इसकी सूचना स्थानीय थाने में 3 दिन पहले भी दी जानी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में 20 व्यक्ति से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य परियोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन जो है उनको नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। अनुमान कार्य से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहनों को भी नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत किया गया उन्हें भी छूट दी गई है। सभी प्रकार के मालवाहकों को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। वैसे निजी वाहन जिन्हें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्रा कर रहे हैं
तो उनके लिए भी पास, अगर उनके पास टिकट है तो उन्हें भी नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। कर्तव्य पर जाने यानी कि ड्यूटी के दौरान जो व्यक्ति जा रहे हैं वो सरकारी सेवाओं में अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के लिए जो आ जा रहे हैं उसके लिए भी उन्हें छूट दी गई है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों को भी इसमें छूट के दायरे में रखी गई है। निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन की अवधि को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इन सभी प्रतिबंधों को लेकर जिला अधिकारी को पावर दिए गए हैं। जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपयुक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, किंतु किसी भी परिस्थिति में प्रतिबंधों को शिथिल नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन के अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो ये थे गाइडलाइन अनलॉक 2 को लेकर जो कि बिहार में अब से लागू कर दिया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।